सुनने का हार उठ लगाया। बड़ा सवाल, और आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ा सवाल में सबसे बड़े मुद्दे की, जो आज हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है कश्मीर। कब तक लोकतंत्र का गला घोटेगा आतंकवाद? यह है आज हमारा बड़ा सवाल। कब तक लोकतंत्र का गला घोटेगा आतंकवाद? सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की साजिश कब तक होती रहेगी? क्योंकि आज सुरक्षा बलों पर जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, यहां तक कि महिलाएं भी कर रही हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। घाटी में पंचायत चुनाव रोकने के लिए क्यों किया जा रहा है षड्यंत्र? घाटी में पंचायत चुनाव क्यों रोका जा रहा है? क्यों इस तरीके से तमाम पार्टियां, स्थानीय पार्टियां खास करके, इस पर अपना हाथ रख रही हैं? और क्या सरकार की कश्मीर नीति में कोई कमी है, कोई खला है? क्योंकि आज कश्मीर, खास करके जम्मू कश्मीर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो राज्यपाल शासन है वहां पर। ऐसे में केंद्र सरकार सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर को संचालित कर रही है, तो क्या आज कश्मीर में कानून को लेकर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तरुण चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गीता भट्ट जी आरएसएस के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस सिंह साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और फिर कुछ ही देर में देवेंद्र राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से और इमानुल नबी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कश्मीर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत तरुण चुग जी मैं आपसे करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में रही, लेकिन अब वहां पर केंद्र का शासन है क्योंकि राज्यपाल शासन है। लेकिन अगर आप आतंकवाद की घटनाओं को देखें, बीजेपी के नेता का भी कल कत्ल किया गया, आखिरकार उसे सुरक्षा, उसे किसने मारा, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज आतंकवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है जम्मू कश्मीर में। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? ऐसा है कि आतंकवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, और पिछले काफी समय से देश की सेना ने वहां एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन की बदौलत वहां पर जो आतंकवादी हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है, और उनको आज इतनी ज्यादा दबाव में है कि उनके पास अपने ऑपरेशंस उनके फेल हो रहे हैं, और हमारी जो सेनाएं हैं, सुरक्षा बल हैं, वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। इस बौखलाहट में वो ये घटनाएं कर रहे हैं, जिसमें से कल की जो घटना है बहुत दुखद है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमारा साथी हमारे में से चला गया, उनके परिवार में से एक उनके भाई का भी जाना हुआ। ये शहादत है, दुखद है, लेकिन ये वो लड़ाई है जो आज अंतिम मोड़ पर पहुंची है। मैं आपको आपको जरा बस कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं तरुण चुग साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्टता से इसका जवाब देंगे। बुहरान वानी को सुरक्षा बलों ने 2016 में मार गिराया था। 2016 से लेकर अब तक, अगर पिछले महीने अक्टूबर की बात की जाए, तो भारत ने 49 लोगों की जान जाती हुई देखी है, जिसमें प्रमुखता आतंकवादी हैं, लेकिन 14 सुरक्षा बल हैं जो मारे गए हैं सिर्फ एक महीने में। क्या आपको लगता है कि अभी भी सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी है और आतंकवादी डेस्परेशन में काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण वो आम जनता पर और पॉलिटिकल लोगों पर हमला कर रहे हैं, और उनकी ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी, तीन लेयर जो पिछले दिनों में हमारी सेना ने उनको मारा है, अब उनके पास जो रंगरूट हैं या जो लोगों को उन्होंने पाकिस्तान से भेजा है, वो कोई बड़ा ऑपरेशन करने की बजाय सीधा पब्लिक पर, सोशल एक्टिविस्ट पर और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। और आप विश्वास रखिए, जो लड़ाई अभी चरण सिंह सापरा जी, भारतीय जनता पार्टी की इन दलीलों से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार एक ठोस नीति कश्मीर में आज उसका पालन कर रही है? चरण सिंह सापरा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जो शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वो सबसे पहले देश के नागरिक हैं, फिर किसी पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं, वो सरासर गलत बात है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मैं कहूँगा कि कमजोरी है, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये उनका खोखलापन है कि वो वहाँ के आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम बार बार देखते हैं, रोज कभी हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, कभी सिविलियन शहीद हो रहे हैं। आज 4.5 सालों में जी वहां पर 4,500 सीज फायर वायोलेशन हुए हैं,
390 के करीब हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, 280 के करीब हमारे सिविलियन जो है वो मारे गए हैं। यानी परिस्थिति ये हो रही है कि जब मिलिटेंट मरता है तो मिलिटेंट का जो फ्यूनरल होता है वो रिक्रूटिंग ग्राउंड बन गया है दूसरे मिलिटेंट्स का। इस तरह की परिस्थिति वहां पर हो गई है। आज वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 4.5 सालों में नहीं बनी, और जो इनकी राज्य में सरकार थी जी वो कोई सरकार नहीं थी, मैं कहूंगा वो महज एक बिजनेस डील थी। जिसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया है, इसलिए मुझे लगता है कि जीडी बख्शी साहब इसका जवाब दे सकते हैं। और जम्मू बख्शी साहब, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आज पॉलिसी फेलियर या पॉलिसी पैरालिसिस बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है? जीडी बख्शी साहब, देखिए हमें बड़ी हैरत है कि वहाँ पे इतनी सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है। पहले तो हम ब्लेम करते थे महबूबा मुफ्ती की सरकार को, पीडीपी के कोलेशन को, गठबंधन को, अब वो निकाल बाहर फेंका गया है। अब हमें उम्मीद थी कि हम बड़ी सख्ताई से क्रैकडाउन करेंगे वहाँ पे। प्रॉब्लम वहाँ पे एक ये है कि देखिए, जब मैं वहाँ ऑपरेट कर रहा था सर सन 2000 से 2005 तक जी, तो कोई 4000 आम टेररिस्ट थे। आज मार मार कर हम उन्हें केवल 250 तक ला चुके हैं। लेकिन जो इन्होंने पैंतरा बदला है वो है कि अब जो मेन फुट सोल्जर्स हैं जिहाद के वो पत्थरबाज हैं। वो जो कोई 20,000 से 30,000 पत्थरबाज जम्मू कश्मीर में पेड पत्थरबाज पाकिस्तान से पैसा खाकर यहाँ पत्थरबाजी का अभियान चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ताई की जरूरत है। वहां हम देख रहे हैं एक ज्यादा ही नरमी है, जरूरत से ज्यादा उनको कभी बच्चा कहा जाता है, जो वहां पाकिस्तान के झंडे दिखाते हैं, ISI के झंडे दिखाते हैं, उनको बच्चा कहकर छोड़ दिया जाता है। अब महबूबा मुफ्ती के टाइम में तो चलिए हमने मान लिया, अब क्या वजह है कि हम इनके साथ जो है नरमी दिखाएं? अगर सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा वाले रॉयट करते हैं तो पुलिस फायर खोलती है, एक दिन में 36 को मार डालती है जी। मुझे बताइए कि वही कानून वहां हरियाणा में लागू है, वही कानून जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। क्यों नहीं हम सख्त एक्शन ले रहे इनके खिलाफ टेररिस्टों को? तो हमारी फौज, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, दरअसल यही बात मैं कहना चाहता था। मुझे लगता है इसका जवाब आज तरुण चुगजा को देना पड़ेगा। तरुण चुगजा, बताइए आज केंद्र सरकार क्यों लड़खड़ा रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीपी की सरकार थी, आपके पास तो एक ढाल थी, आज तो वो भी नहीं है। बिल्कुल लड़खड़ा नहीं रही, ऐसा है, बिल्कुल लड़खड़ा नहीं रही। 500 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 2 सर्जिकल स्ट्राइक लगभग पिछले समय में हुई है। आतंकवाद पर गहरी और सीधी चोट की जा रही है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी आतंकवादी जम्मू कश्मीर की धरती पर छोड़ा नहीं जाएगा। 390 हमारे जवान शहीद हुए हैं, 280 सिविलियन शहीद हुए हैं। एक के बदले 10 सर लाने की बात की थी, आप तो 500 गिन रहे हो। बिल्कुल हुए हैं, लेकिन हमारा एक भी व्यक्ति अगर शहीद होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी क्यों नहीं है, तो हमें दुख है वो नहीं शहीद। 4,000 से ज्यादा आतंकवादी थे, आपके ध्यान में होगा बख्शी जी, नहीं शहीद होना चाहिए। आज वो 4,000 की संख्या 250 पे पहुंच गई, 200 पे पहुंच गई, क्यों नहीं बन रही है इसके ऊपर आप उत्तर दीजिए। पर भाई साहब, मेरी लड़ाई आतंकवाद से मैं लड़ लूंगा, लेकिन जो मेरी प्लीज मेरे भाई मेरी आवाज मेरे को सुनना तो बोलने देंगे तो पता लगेगा। मेरी एक मित्र, हम आतंकवादियों से भी लड़ लेंगे, बॉर्डर पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाएं, वो JNU में जाकर ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ। तरुण चुग साहब, ये दलील आज कहीं बैठ नहीं रही, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये दलील बैठ नहीं रही आज आपकी। मैं जरा गीता भट्ट जी को यहाँ शामिल करना चाहूंगा। गीता भट्ट जी, क्या आपको लगता है कि आज संघ परिवार इस बात को लेकर बहुत खुश है कि भारत सरकार की नीति जो कश्मीर में है वो बिल्कुल सही है? आज पत्थरबाजी कितने बड़े पैमाने पर आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रही है, इसके बाद भी क्या आप ये बात मानेंगी कि केंद्र सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही है? गीता भट्ट जी, बंदूक वाले से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जब पीठ पे छुरा मारने वाले हैं उनसे भी लड़ना होगा। देखिए अजय जी, जो ऋषि कश्यप की जो भूमि है, आज उसकी जो दुर्दशा हो गई है जी, यह दुर्दशा जिस तरह का वहाँ नरसंहार और जो हिंसा हमें देखने की
देखने को मिल रहा है इतने समय से, ये आज से नहीं, आप देखिए पिछले 30-35 वर्षों से जिस तरह से वहां के जो मूल निवासी हैं उनका नरसंहार कर उन्हें वहां से निकालने की जो एक प्रक्रिया है उसमें दो और शहीद नाम जो है कल जुड़ गए। इतने दुख की बात है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये विषय नहीं है, विषय ये है कि वो बहुत राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति थे, ऐसे जिन्होंने आतंकवादियों के साथ पिछले समय में भी वहां जो है बहुत जम के उनका सामना किया था और बल्कि कुछ समय के लिए उन्हें कश्मीर से बाहर भी भेजना पड़ा था, जम्मू कश्मीर से, इसी वजह से, लेकिन फिर भी वो इतने दृढ़ता से वहां पे जमे हुए थे और बड़ी कठिन परिस्थितियों में। गीता भट्ट जी, क्या आप इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं कि केंद्र सरकार की नीति जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है, तिरंगा लहराने के लिए इसके पीछे नहीं लड़े? तो देखिए उसको, उस जो नीति जो वहां पे लोकतंत्रीय प्रक्रिया प्रारंभ करने की 13 वर्षों के बाद वहां पर पंचायती चुनाव किए जा रहे थे, म्युनिसिपल इलेक्शन किए जा रहे थे, उसको डेंट करने की जो कोशिश करी जा रही है उसमें वहां की जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने वो सामने खड़े होकर उन्होंने समर्थन कर रहे हैं वो अलगाववादियों का। आप चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, पीडीपी देख लीजिए, जब जैसे ही ये घोषणा हुई कि वहां पे चुनाव होंगे उन दोनों पार्टियों ने जो है स्वागत इसमें किया। कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसमें काफी ज्यादा एक तरह से गतिरोध का काम किया है, लेकिन उनके प्रवक्ता इसलिए हमारे पास नहीं है इसलिए हम उस पर बहुत चर्चा नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आरएसएन सिंह साहब से जानना चाहूंगा, उसको जो है पीछे हट गए। आरएसएन सिंह साहब, क्या आज केंद्र सरकार की जो नीति है, क्योंकि राज्यपाल का शासन है जम्मू कश्मीर पर, उससे आप संतुष्ट हैं? जीडी बख्शी साहब ने स्पष्ट कहा आज आतंकवाद का एक नया चेहरा है पत्थरबाज का, और वो पत्थरबाज आतंकवादी से कहीं ज्यादा कारगर हैं, बड़े पैमाने पर सुरक्षा की तमाम कोशिशों को धता बताते हैं। आपको लगता है कि केंद्र सरकार सही कदम उठा रही है, क्योंकि बख्शी साहब कह रहे हैं कि बहुत ही लचर रवैया है, पकड़ के मारना चाहिए सबको? सभी का लचर रवैया रहा है, समझ की कमी थी, अपने आप को फरेब के जाल में अपने को फांस के रखे हुए थे अभी तक। जी देखिए, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिजबुल मुजाहिदीन ने लोगों को मारा, अभी जो बीजेपी के लीडर को मारा, आप क्या ये जमहूरियत से उनका कोई मतलब है? आपको मालूम है हिजबुल मुजाहिदीन को JKLF को खत्म करने के लिए मारा गया था, बनाया गया था 1989 में। जी तो कश्मीरियत से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका पूरा जो ग्रोथ हुआ है वो कश्मीरियों को के मार के है। हिजबुल मुजाहिदीन का इंसिग्निया क्या है? 2 AK-47 के बीच में कुरान। क्या कभी महबूबा मुफ्ती या अब्दुल्ला ने कभी बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये कुरान की बेइज्जती कर रहे हो? साहब आप जो भी आज मुझे कह लो, ये पूरी धर्म की लड़ाई है, ग्लोबल जिहाद की लड़ाई है। चीन पागल नहीं है जो युघूर में वहां पे वो क्या जो जितने भी उसने कदम लिए हैं, री एजुकेशन कैंप्स का है, बोला कि कोई आपका आर्किटेक्चर चाइनीज होगा, आपका पूरा आप रमजान में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये नहीं जो भी है जी दाढ़ी नहीं रखेंगे, बुरका नहीं रखेंगे वो आज। और क्या हो रहा है आज? POK आज का न्यूज है कि POK से पाकिस्तान के बस सर्विस जाएगी जी वहां पे। तो आप उस चीन की कोई निंदा नहीं करेगा, क्योंकि ये सब के सब हम लोग झूठे और फरेब लोग हैं। कहते हैं कि धर्म से कोई वास्ता नहीं है, पूरी दुनिया में जितनी लड़ाई हुई है और आज हो रही है उसका अंडरपिनिंग धर्म है। आज टेरिटरी के लिए कहीं नहीं लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान से लेके सीरिया से लेके आप कहीं ले ले। चलिए आप क्यों इससे 1400 साल पहले कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आपने इन्होंने अभी उसका दिया एक हवाला दिया, ये क्या जो, अरे जो अभी हरियाणा में जो जी। बाबा रामपाल, स्वामी रामपाल। हाँ, जी। आप बताइए साहब, अगर 1400 साल पहले मीडिया होती और स्टिंग ऑपरेशंस होता तो उसका रिजल्ट्स बाबा राम रहीम से कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव होता। आइए जरा हमारे साथ इमामुन नवी जुड़ चुके हैं कश्मीर, ये खत्म कीजिए आप लोग। इमामुन नवी साहब, वहां इस्लाम की लड़ाई चल रही है और यह लड़ाई पूरे देश के लिए घातक है।
देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कोई मजहबी लड़ाई तो है नहीं। अब कुछ लोगों को ये कहकर वो अपना वो वक्त निकाल रहे, अपना नैरेटिव्स देकर यहाँ पर किलिंग्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जस्टिफाई करते हैं, उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। हम सबको पता है ये एक सियासी मसला है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी ने हमारे साथ वादा किया था राजकुमारी कराने का, प्लेबिसाइट कराने का। यूनाइटेड नेशंस में वो चले गए, हम कहाँ कह रहे हैं आपको आप कोई और चीज़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे साथ वादा किया है उसको पूरा कर लीजिए। देखिए पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर लोग मरते आए, चाहे वो फौजी जवान हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान हो। आप देखिए हर जगह यहाँ किलिंग। नवी साहब जरा मुझे ये बताइए कि आज कश्मीर पुलिस में काम करने वाले लोगों को मारा जा रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे? बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है, क्या आतंकवाद को आप किसी तरीके से सही ठहरा सकते हैं? मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हे आनंद सिंह साहब, आपको कंप्लीट करने से पहले मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। ये तो आर्मी रहे, इमाम नवी साहब ये बताइए, मुझे ये बताइए आतंकवाद के नाम पर क्या AK-47 की गोलियां, AK-47 की गोलियां कश्मीरियों को नहीं मार रही? के पास बैठे इमाम साहब इनसे कहे क्या इसके खिलाफ FIR नहीं है? मुझे ये बता दीजिए, मुझे सबसे पहले ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप नैरेटिव को बदल नहीं सकते, आप नैरेटिव को बदल नहीं सकते। नैरेटिव बिल्कुल साफ है, मसले की नैरेटिव बिल्कुल साफ है। AK-47 की गोलियां कश्मीरियों को मारती है, फौजी जवानों की फैमिली मर रहा है वहां पर, आप कश्मीरियों को मार रहे हैं। मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सियासी प्रॉब्लम है जिसका सियासी लोगों का खून बहाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। वहां जो लोग आज हथियार उठाते हैं वो आतंकवादी हैं, वो अपनों का खून बहा रहे हैं। मारते तो आप हमें हैं, मारते तो आप हमें हैं। 1990 से लेकर आज तक तो आपने हमें मारते आए हैं। आपने कुनन पोष पूरा किया, आपने मछिल फेक एनकाउंटर किया, आपने हंदवारा में मैसेकर किया, आपने बिजबिहारा में मैसेकर किया, आपने सोपोर में मैसेकर किया, आपने कावड़ारा श्रीनगर में मैसेकर किया, आपने जुकुरा में मैसेकर किया, आपने गोकुल में मैसेकर किया, आपने तो हजारों जलियांवाला बाग दिखाया। हम आए दिन यहाँ जलियांवाला बाग जैसे वाकई थे, उसके बारे में आप बात करें। साहब मैं आपसे सीधा पूछता हूं, अगर आपको इतनी तकलीफ हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान का रास्ता खुला है साहब, क्यों नहीं चले जाते आप? वही है कि तमाम कश्मीरी जो अपने आप को पाकिस्तान में ज्यादा महफूज समझते हैं, मुजफ्फराबाद क्यों नहीं चले जाते? हमें पाकिस्तान भेजने वाला है, जम्मू कश्मीर मुल्क मेरा है, इसका फैसला हम करेंगे। आप लोगों का हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकते, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान खून बहाने को तैयार है। आप इस बारे में बहस मत कीजिए। चलिए देवेंद्र राणा जी, देवेंद्र राणा जी टेरिटरी हो जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र राणा जी आप वरिष्ठ राजनेता रह चुके हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं साहब, जिस तरीके से कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, जिस तरह से AK-47 की गोलियां हर कश्मीरियों को मारती चली जा रही है, क्या यही वो कश्मीर है जिसकी परिकल्पना, जिसकी सोच आप सबों की है? देवेंद्र राणा जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अभी मोबाइल कनेक्शन बहुत कमजोर हैं और इसकी वजह से वहां पर कई तरह तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। बख्शी साहब आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं गुलाम नबी को कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी 1948 की, वो जरा उसे दोबारा पढ़ लें। उसने साफ कहा था कि कोई भी प्लेबिसाइट होने के पहले पाकिस्तान को POK खाली करना पड़ेगा। कोई POK खाली नहीं किया गया, हमने तो उल्टा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट कराई और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया एक्सेशन को। अब यह किस प्लेबिसाइट की बात कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये वहां पे कोई सियासती मामला नहीं है, वहां केवल और केवल सांप्रदायिकता का जहर फैलाया है, कॉम्युनल वायलेंस है। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित घर से बेघर किए हैं, कभी इन्होंने उनके बारे में बात करी है? उनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, आपने तो 1 लाख जवानों का कत्लेआम किया, 1947 से लेकर आज तक आपने 5 लाख मुसलमानों का कत्ल किया, उसके बारे में बात करें? कत्लेआम भी मरे, कश्मीरी पंडित भी हमारे भाई है, एक भी मरे मरता इंसान है। आपको 206 कश्मीरी पंडित याद है, लेकिन आपको 6 लाख मुसलमान याद ही नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? तुम एक दो आदमी गिन रहे हो, वो 4.5 लाख, 4.5 लाख
कश्मीरी पंडित इंसान नहीं है। आप कश्मीरी की बात करें ना, आप क्यों मजहब को बीच में ला रहे हैं? अरे आप क्यों 206 की बात करें? अच्छा अगर मजहब नहीं है तो आप हिंदू मुजाहिदीन का मतलब होता है गुरु पास होली वॉरियर्स। आप निंदा करें, ये होली रोग नहीं है, दरिंदे। आज जो बड़ा सवाल का मुद्दा आपके सामने लेकर हम उपस्थित हैं, कब तक लोकतंत्र का गला घोटेगा आतंकवाद कश्मीर में? क्योंकि कश्मीर में जो हो रहा है वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है बल्कि आज हमारी सरकार के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय भी है। तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस से, मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब, आर एस एन सिंह साहब, देवेंद्र राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इमाम उन नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गीता भट्ट जी आर एस एस के समर्थक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देवेंद्र राणा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि कई बार सत्ता में काबिज रह चुकी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र का, क्या आपको लगता है जो अभी हमारी बहस हो रही थी कि दरअसल ये मामला इसका नहीं है कि कश्मीरियत को जिंदा रखा जाए, ये मसला इस बात का है कि आज जिहाद को कश्मीर में कैसे आगे बढ़ाया जाए? जो घटना कल रात को घटी है वो बड़ी दुखद घटना है और शोक का सन्नाटा चारों तरफ जम्मू सूबा में छाया हुआ है। आतंक की और अहिंसा की, हिंसा की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। आतंक और हिंसा को बढ़ाने वाला कोई भी तत्व हो उसकी सबको मिलकर मुखालफत करनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ये जंग जो है ये सबकी सांझी जंग है, इसमें सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए और जो लोग भी हिंसा को बढ़ावा दें उनकी शनाख्त होनी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनको अपने समाज से बाहर करना चाहिए। चलिए यही मुद्दा उठाकर मैं जरा नवी साहब से समझूं। नवी साहब ये बताइए, कई ऐसे अलगवादी संगठन हैं और कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैश ए मोहम्मद हो या तमाम इस तरह के संगठन जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, आप सरी के लोग उनकी निंदा करते हैं कि नहीं? आप सरी के लोग ये मानते हैं कि नहीं उनका कोई काम नहीं है जम्मू कश्मीर में? देखिए, कौन चाहेगा कि लोग मरे, कौन चाहेगा कि यहाँ पर जनाजे उठे या अर्थिया उठे? हम सब, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है वायलेंस की। मैंने इसीलिए आपसे कहा अगर मैं आपकी जगह होता या जी डी बख्शी साहब की जगह होता या आर एस सिंह साहब के जगह होता, जिस तरह एनडीए फर्स्ट ने एक पहल की थी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों को बुलाकर उनके साथ बातचीत करने की, मैं बात कर लेता। अगर आप वाकई तौर मुजाहिदीन के कमांडर, हम उनसे बात में आप मिलिटेंट उसे मुझे ये तो बताइए पंजाब में मिलिटेंट उसे बात कर सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी आप बात कर लीजिए, कह दीजिए उनको क्यों वो गाना उठा के बैठे हैं। क्या है पहले मुझे बताइए, आपके हिसाब से हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है या नहीं है? ऑपरेशन कैच एंड किल ना, ऑपरेशन हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है या नहीं है? मैं बताइए, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर, आप स्पष्ट कीजिए, हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? अगर आप ऑपरेशन ऑल आउट की फिगर्स देखेंगे 32% इंक्रीज हुआ है मिलिटेंट्स। जी डी बख्शी साहब ये जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि जाहिर सी बात है जवाब देने का मतलब है मानना कि ये तमाम आतंकवादी संगठन है जिनका समर्थन आज कश्मीर का ये तबका कर रहा है। जी डी बख्शी साहब, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, आपको पता चलेगा। ये देखिए, आप जरा एक मिनट शांति करिए ताकि डिबेट चल सके। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये लोग वहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, ये वहाँ पे जिहाद करके ये एक एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसका पहला कदम था का वादा वहाँ आपको कह रहे पूरा करने के लिए, जो कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वादा कह रहे हैं आपको घर से करने के लिए, घर से बेदखल कि आप हमें इन घर से बेदखल करना, राइट टू लाइफ इज सुप्रीम और वहाँ पे जाकिर मूसा जैसों की आवाज सुनी है कश्मीर में? हाँ, जाकिर मूसा जैसे जिए, आपको कहते हमें जीने और बाकी जीने दे। कश्मीरी पंडितों को आपने जीने दिया? अरे कश्मीरी पंडितों को तुमने जीने हम दिया? हम आपको कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वादा पूरा करने के लिए हम कह रहे हैं, जो आपने यूनाइटेड नेशंस में वादा किया। नवी साहब, मैं आपको बीच में यहां पर रोक रहा हूं। नवी साहब,
बड़े इज्जत के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े इज्जत नबी साहब बड़े इज्जत के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है आज? मजहब की कोई बात नहीं की। नबी साहब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है आज? कौन है प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं? कह रहा हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए आज आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है? पूरा कर लीजिए, कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर आज? नरेंद्र मोदी या इमरान खान? मेरा प्राइम मिनिस्टर तो आपने 1947 कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी, इमरान खान हुआ करता था, इमरान खान नरेंद्र मोदी हुआ करता था। मेरा अपना फ्लैग है, मेरा अपना आईन है, मेरी अपनी। नरेंद्र मोदी, इमरान खान, हाफिज सईद, कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर? आपने हिम्मत तो बताइए नेशनल टेलीविजन पर, कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर? हमारे भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं ऐसे लोग, आप बता नहीं पाएंगे। आज जैसे लोग कश्मीर में रहने लायक नहीं है। कुमार जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सपरा जी बताइए, सपरा जी प्लीज, आप बोल रहे थे अभी। जी देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति ये है कि मिलिटेंसी वहां पर बढ़ी है, बढ़ती जा रही है, बहुत गंभीर समस्या है। हम इसको, मैं पीछे सुन रहा था, इसको थोड़ा सा जातिवाद का रंग भी देने जा रहे थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको अयूब पंडित की शहादत भी नहीं भूलनी चाहिए, आपको उमर फैज की शहादत भी नहीं भूलनी चाहिए, इरफान अहमद दार, फिरोज अहमद दार, राइफलमैन औरंगजेब, ये सभी लोग जो है इन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए शहादत दी है। तो आतंकवाद कश्मीरियों ने उनकी जान ली है सर, और आतंकवाद होता है, उनकी जान कश्मीरियों ने ली है। कश्मीरी को मार रहा है, यही तो दर्द है हमको। कश्मीरी, यही तो दर्द है। इस तरह क्यों नहीं देख रहे हैं? और कश्मीरी, कश्मीरी कश्मीरी आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अगर आप इतने दूर के दुले हैं तो अलो कर दीजिए यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर टीम को, आप अलो कर दीजिए ह्यूमन राइट्स टीम को, आप अलो कीजिए ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स को यहाँ पर। अगर आप इतने दूर के दुले हैं, ये पथरीबल फेक एनकाउंटर में मुलविस कौन है? जरा उनके नाम बता दीजिए, जिनका कोर्ट मार्शल चल रहा है। पथरीबल फेक एनकाउंटर किन्होंने किया? आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। अरे संयुक्त राष्ट्र को क्यों बुलाए हम? हमारा देश है, हम तय करेंगे कौन देखेगा उसको। आप कौन होते बोलने वाले? पहले ये तो बताइए कि आप हिंदुस्तानी है, पहले ये तो तय कीजिए कि आप हिंदुस्तानी है। जिस दिन आप ये कहेंगे कि आप हिंदुस्तानी है, फिर बात करेंगे आपसे। मुझे एक मिनट अगर मौका दें, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे फख्र है। आप कश्मीरी से नहीं, हिंदुस्तानी है पहले, उसके बाद कश्मीरी होंगे। कश्मीरी आप इंडिया का पासपोर्ट लेके घूमते हैं, समस्या क्या? आप हिंदुस्तान का खाते हैं, याद कीजिए, हिंदुस्तान का पैसा खाते हो कश्मीरी होने पर, कश्मीरी पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक ये इमाम उल नबी को मैं दो लाइन कह सकता हूँ? जी बिल्कुल साहब बोलिए। देखिए सवाल ये, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब जिन्ना की टू नेशन की थ्योरी निकली थी, उस समय एक भी मुसलमान कश्मीर का ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में गया। देश के और राज्यों से मुसलमान पाकिस्तान में गए, लेकिन कश्मीर का एक भी मुसलमान पाकिस्तान में नहीं गया। कश्मीर का मुसलमान भारत के साथ रहना चाहता है, कश्मीर का मुसलमान भारतीय है, ये फर्क है। ये इमाम उल नबी नहीं समझेगा, क्योंकि इसकी तारे अलगावादी नेताओं के साथ और आतंकवादी नेताओं के साथ जुड़ी हुई है। क्यों हुए वहां के गवर्नर? उनके फेक एनकाउंटर क्यों हुए? आपकी बात मैं मान लेता हूं, आपकी बात 2 मिनट के लिए मानते हैं, फिर उनके फेक एनकाउंटर क्यों हुए? फिर पथरीबल क्यों हुआ? फिर कानून पोशपुरा क्यों हुआ? फिर आपने हमसे 13 बरस तक क्यों ली? तरुण चौधरी बोलिए, जिसके एंडोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, उसके बारे में बात कर लीजिए। ये मुसीबत की जड़ आपकी है, आपसे विनती है। मुझे आपने इस देश को खोखला बना दिया, ये कांग्रेस की देन है, आप बात कर लीजिए। ये आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, जो आज मुसीबत हम झेल रहे हैं वो आपकी वजह से है बेशर्म लोग। आपने घोटाले किए, आपने इंसानी जानों का सौदा किया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आपने हमेशा देश और लोगों को तहते किया ताकि आप सत्ता में रहे। यू स्टैंड एक्सपोज्ड
ये आपकी दी हुई मुसीबतें हैं। अरे आप पहले आप ना कहिए, आप चिदम्बरम जी की गलती हुई देकर वो बात कर दीजिए। आप अजय जी जी वो बोलिए शिवानी कराने के लिए। अजय जी तो हुरियत वालों अजय जी सबसे अभी 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 सुख जाओ नबी जी। नबी जी रुक जाओ नबी जी रुकिए। नबी जी ऐसे जो नबी जी बोल रहे हैं इससे वहां के जिहाद की मानसिकता को समझना पड़ेगा। यहां पांच जो बाकी पैनलिस्ट बैठे उनको समझना पड़ेगा कि हम लोग वहां पर जिस भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा उसी भाषा में आज जवाब दिया जा रहा है। मेरी विनती है बाकी लोगों से कि उसकी सपोर्ट करें इनकी उस भाषा में, इनको बता दे जिनके तो हाथ में भी हथियार है, जिनके मुंह में भारत के लिए गाली है उनकी कबर खोद के रखे, उनको उस कबर में लिटाया जाएगा। नबी जी आप तैयारी रखिए, एक भी आतंकवादी छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक आतंकवादी को कबर में लिटाएंगे। उन्होंने प्रश्न है सप्रा जी, आप लोगों ने कश्मीर में बहुत बलिदान दिए हैं और इसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज कश्मीर की धरती को जो रंग देने की कोशिश की जा रही है वहाँ के सरिया नहीं वहाँ हरा रंग फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये है आज कश्मीर की सूरत गीता भट्ट जी? नबी कब्रें खोद के रखो, सबको कब्रों में लटा के छोड़ेंगे। जी देखिए वहाँ इतने हिंदुओं को जो है किस तरह से अपने आप में मारा गया, क्या आप देख रहे हैं मानव अधिकार की जो टक्कर लगता है? किसी ने आज तक आवाज उठाई है? कल दो भाइयों को वहाँ इतनी बुरी तरह से उन्हें मार दिया गया कि दहशत फैलाने का काम नहीं है तो और क्या है? वहाँ आपको पता है कठुआ में म्युनिसिपल इलेक्शन में वहाँ एक निर्दलीय लड़की जो है चुनाव जीत कर वहाँ पे आई है जो कि अनुसूचित जाति की है। आप देखिए कि किस तरह लोग बड़ी आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है लेकिन फिर भी वो आगे सामने आई है। उसने वहाँ चुनाव लड़ा और वो जीती है, निर्दलीय जीती है। ऐसे लोग क्योंकि सुनना चाहिए गीता जी क्या कह रही थी। मचाया जा रहा है इसके लिए इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ सरकार को और पूरी सेना को पूरी ताकत देनी चाहिए कि इन सबको वहाँ खदेड़ के रख दे। देवेंद्र राणा जी मुझे ये बताइए कि आज दो प्रमुख पार्टियां दोनों निकाय के चुनाव से हिस्सा नहीं लेती है, क्या मजबूत कर रहे हैं? देवेंद्र राणा जी ये किस तरह हम आपको समझाएं? चुप साहब का प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, चुप साहब मुझे जरा सवाल पूछने दीजिए। देवेंद्र राणा जी लोकतंत्र को क्या आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मजबूत कर रही हैं जब स्थानीय निकाय चुनावों से आप बायकॉट कर लेते हैं, वो भी तथाकथित एक ऐसे केस के लिए जिसकी सुनवाई अभी तक हुई भी नहीं है पूरी, आप पहले से बायकॉट कर देते हैं? अजय जी पिछले 15-20 मिनट से मैं ये शोर शराबा सुन रहा हूं जी और बड़ा अफसोस हुआ मुझे। दो लोग मारे गए जम्मू सूबा में दो दिहाई या तीन दिहाई के बाद ऐसी टारगेटेड किलिंग हुई है जी। और यहाँ पे एक शाउटिंग मैच चल रहा है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं समझता हूँ ये ऐसे डिबेट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने में और हालात को ख़राब करने में। मेरी आपके माध्यम से, अजय जी आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्र निवेदन करूँगा जनरल साहब को भी, इमाम नबी को भी, सभी को कि बराए मेहरबानी तो ये यहाँ पे डिबेट्स में ऐसे डिबेट के कारण ही आज कश्मीर का आईना पूरा देश देख रहा है। नहीं तो इतने साल से जब ये डिबेट्स नहीं होते थे तो पूरा देश गुमराह हो रहा था।
जाता। नेशनल कांग्रेस आज आज हर रोज आईना दिख रहा है कश्मीर का। आज बिहार में भी बैठा आदमी कर्सी दिस डिबेट्स वो स्टेट के समस्या के बारे में समझ रहा है। कभी मानूम जैसे लोगों को वो देखता है। आपके नेता फारूक अब्दुल्ला बिहार में भी बैठे आदमी को, केरला में भी बैठे आदमी को समझ में आ जाता है कि समस्या क्या है। आप ये मत कहिए ये जो नैरेटिव चेंज किया है ये डिबेट्स के कारण चिल्लाने से कोई बात नहीं होगी। आज दो किलिंग्स यहाँ हुई हैं, कुछ किलिंग्स और जगह हो रही हैं। जम्मू संभाग में तीन दहाई के बाद हुई है। मैं ये समझता हूँ यहाँ बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल बैठे हैं, सबको बैठकर ये सोचना चाहिए कि किस तरह जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारा जाए। हम पे आज सब पे ये जिम्मेवारी आती है कि हम सब लोग बैठकर और बड़े संजीदगी के साथ इस गंभीर मसले को ये आगे कैसे सुलझाएं, उसको उसके लिए काम करना चाहिए बजाय इसके कि इसको उलझाएं। इसको उलझाना नहीं चाहिए, इसको सुलझाने का काम करना चाहिए। सुनिए साहब, ये कश्मीर में जो जिहादी है ना, इसको सुलझाने की कोशिश करिए। ये डिबेट जो है तब फायदा होगा जब मसले को छाया जाए बजाय उसके उलझाने के और डिबेट में ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के। मुझे आज इस बात पर बड़ा अफसोस है कि जब देश में जागरूकता की बात आती है तो कुछ राजनीतिक दल पीछे हटने की बात करते हैं। अफसोस की बात है। लेकिन आपने इस विषय को उठाया है, आपको इसका साधुवाद इसके लिए बिल्कुल मैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं बख्शी साहब को शामिल करूंगा। बख्शी साहब, बख्शी साहब मुझे ये बताइए, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही बात की गुजारिश कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत कम बचा है अपनी बहस को एक अंतिम मोड़ तक लाने का, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ बख्शी साहब, क्या आप इस बात की पैरोकारी करेंगे कि आज सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए? वो तमाम लोग जो पत्थरबाज की शक्ल में आतंकवाद को फैला उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, उन पत्थरबाजों को कड़ा कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल जेल में भरना चाहिए। किसने कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी इकदाम उठाने हैं वो उठाने चाहिए, अमन आना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होना है और सब कुछ चाहिए। लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बख्शी साहब, फारूक अब्दुल्ला जी को भी तो समझाओ ये बात, हमें मत समझाओ, फारूक अब्दुल्ला जी को समझा दो। मेरे पास बस बहुत कम है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ प्लीज, आप रहे इस वक्त, इस वक्त चिल्ला आप रहे हैं जी। बख्शी साहब प्लीज, बख्शी साहब आप राणा साहब जरा मुझे आप प्लीज, एंकर ने कहा है मुझे बोलने के लिए, मुझे भी बोलने का मौका दे। देखिए जनबख्शी एक बात सुनिए, जनबख्शी एक बात पैतरा है। कैन आई प्लीज हैव माय से, कैन आई प्लीज हैव माय, एक मिनट, कैन आई प्लीज हैव माय से, लोक आई विल लीव दिस प्रोग्राम इफ इट डजंट लेट मी स्पीक। एंकर हैज आस्क्ड मी टू स्पीक Can I have the curtsy? बख्शी जी की बात सुनकर आप अपनी बात रखिएगा ना। Before you speak, मैं you are not letting me speak. बख्शी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप सवाल रखिएगा। बख्शी जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। देखिए साहब, मैं कहना यह चाहता हूं कि कश्मीर में टेररिज्म का पूरा पैतरा बदली हुआ है। वहां के जो मेन फुट सोल्जर्स ऑफ द जिहाद, अब वो आतंकवादियों से ज्यादा 20 से 30,000 पेड पत्थरबाज हैं, जिन्हें महबूबा मुफ्ती सरकार बच्चा कह के बिल्कुल उनके साथ रियायत कर रही थी। उन्होंने 4 दिन पहले हमारे एक जवान की पत्थर मार के हत्या की है। अब वक्त आ गया है कि इनके साथ सख्ताई से पेश आया जाए और वो जो लोग सिविलियंस को मार रहे हैं उनके खिलाफ सख्ताई से पेश आना पड़ेगा। अजय कुमार जी, मैं इनका उत्तर दे दूं थोड़ा सा। और जो ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं ह्यूमन राइट्स पे, ये कम से कम 4.5 लाख के कश्मीरी पंडितों का ख्याल कर ले। बिल्कुल सप्रा जी, वो भी इंसान है जी। उन्हें बख्शी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है। सप्रा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? सप्रा जी जी, देखिए मैं बख्शी जी की सारी बातों से सहमत हूँ, जो बख्शी साहब ने कहा, और एक बात उसमें जोड़ना भी चाहूंगा
कि वो सरकार जो 9000 पत्थरबाजों के केस वापस लेती है और मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर करती है, वो सरकार जो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसका क्या करें आप? बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं सपा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक छोटा जवाब 30 सेकंड में तरुण चुग जी, बीजेपी की वजह से आज ये हालात है घाटी में, तरुण चुग जी 30 सेकंड। ऐसा है, मैं हमने तो सरकार से समर्थन इसीलिए वापस लिया, पर मेरी सपरा जी से हाथ जोड़ के विनती है, राहुल गांधी जी को समझाइए कि वो जेएनयू में जाकर जो लोग, अरे भाई वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि एक तरफा युद्ध विराम क्यों किया था, एक तरफा युद्ध विराम आपने किया, सोच को बहुत ही घातक है, दोनों पार्टियां एक नेतृत्व पर ही आक्षेप करने लगती है, लेकिन ये मुद्दा देश का है और इसमें कोई शक नहीं कि आज बख्शी साहब ने जो पैरोकारी की है, जो लाइन सामने रखी है, आज पत्थरबाजों के साथ अगर सख्ती से न निपटा गया तो हम वाकई में बहुत 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 पछताएंगे।